प्रदेश में बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए हरकत में आया जिला प्रशासन। जिला अस्पताल में कलेक्टर व विधायक ने किया कोविड वार्ड का निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश। कोरोना के नए वेरिएंट एवं तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी जिलों में जो कोविड-19 सेंटर बनाए गए हैं उनकी देखरेख और गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए। और इसी के चलते टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष द्विवेदी, राहुल जी विधायक और विधायक राकेश गिरी, सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा, जिला पंचायत प्रभारी हर्षिल चौधरी और SDM सौरभ मिश्रा सहित स्वास्थ्य विभाग अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी द्वारा कोविड वार्डों का निरीक्षण किया गया एवं वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। प्रदेश में भोपाल और इंदौर में जब कोरोना की केसों में बढ़ोतरी होने लगी और इसी के चलते प्रदेश स्तर पर तीसरी लहर के आने की आशंका को देखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज कुछ जो भोपाल और इंदौर में केसेस निकलने पिछले 2-3 दिन में शुरू हुए हैं, तो एक वो पूर्व तैयारी के संबंध में आज एक बैठक आयोजित की गई है और उसमें जो हमारे जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उसके सदस्यों के साथ जिला चिकित्सालय में आके समस्त व्यवस्थाओं को पुनः प्रारंभ करने के लिए सुचारू रूप से निर्देशित किया गया। तो उसी के उसमें हम माननीय विधायक जी और माननीय सांसद मित्री और हमारे जिला क्राइसिस कमेटी के सभी सदस्यों के साथ आज इस निरीक्षण पे आए। और चूंकि बहुत दिनों से कोई केस नहीं निकला है, 2-3-4 महीने से, तो व्यवस्थाएं अभी प्रारंभिक स्टेज पे हैं। हमने कहा है 2-3 दिन बाद हम फिर से आके निरीक्षण करेंगे, जो कि टॉयलेट संबंधी कुछ दिक्कतें हैं, बिस्तर अभी नहीं लगे हुए हैं, आपने भी देखा सफाई भी करे आपको व्यवस्था नहीं है, तो ये सारी व्यवस्थाएँ करके और जल्दी से जल्दी इसको सुचारू रूप से करवाएंगे, जिससे यदि कोई भी केस निकलेगा तो हम उसको तुरंत कर देंगे। पीडियाट्रिक ICU बनने का काम हमारा प्रारंभ है, उसके भी संबंध में जो दिक्कतें हैं उसको जल्दी से जल्दी हम पूर्ण करवा लें। भोपाल स्तर से मैं बात करके इसको भी सुनिश्चित करने का प्रयास करूँगा। डॉक्टर साहब को बोल दिया है, मैं स्वयं भी इसमें करूँगा। अब इसके बाद हम ये जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको भी चेक करने जा रहे हैं कि उसमें ऑक्सीजन की प्योरिटी लेवल क्या है और किस तरीके से उसकी फंक्शनिंग हो रही है। ऑक्सीजन की व्यवस्था भी 3 जगह से अनुबंध किया गया है, एक झांसी से और एक छतरपुर से भी जो अनुबंध है। पिछली बार की अपेक्षा लगभग 200 सिलेंडर भी एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो हमारे पास इस समय 480 के करीब सिलेंडर बड़े वाले हैं, छोटे वाले भी 150-200 हैं। इसके अलावा कंसंट्रेटर भी जैसा बताया गया कि लगभग 200 इस समय ज़िले में है, तो ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। ये तैयारियां जो हैं ये 2-3 दिन में अस्पताल प्रशासन द्वारा सुनिश्चित है। वार्डों को जो कम्प्लीट करने में ठेकेदार द्वारा देरी आ रही है, उसका क्या कार्रवाई है? इसमें देखेंगे, ये सब मुझे बताया गया कि भोपाल का कोई ठेकेदार है, मैं स्वयं आज ही उससे बात करूँगा, उससे बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी पीडियाट्रिक ICU प्रारंभ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।